हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जैसे कि देख सकते हैं आप लोग के लिए है, हम मिक्सर का अनबॉक्सिंग लेके आए हैं। ये एरोंस की तरफ से मिक्सर है, जिसका देख सकते हैं इसका कुछ डिटेल्स में लिखा हुआ। इसका मॉडल नंबर जो है AMX8U का इसका मॉडल है, और ये 8 चैनल का मिक्सर है। और जैसे कि इसमें लिखा हुआ है प्रो 8 चैनल मिक्सर, 16-bit DSP इफेक्ट है इसमें, और कुछ कुछ इसमें हाइलाइट्स किया हुआ है। कुछ इस तरह का इसका बॉक्स पैकेजिंग है, और कुछ यहाँ पे डिटेलिंग्स दिया हुआ है इस तरह का। यहाँ पे सेम है, थोड़ा यहाँ पे जूम कीजिए, कुछ देख सकते हैं इसका MRPs क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको हम बाद में बता देंगे, बस इस यहाँ भी सेम है। चलिए इसको हम लोग अभी अनबॉक्सिंग करते हैं। कुछ इस तरह का इसका पैकेजिंग है, और इसके पहले इसको हम खोले हुए थे, फिर भी आप लोग के लिए हम इसमें डाल दिए हैं। कुछ इस तरह का इस ये बाहर निकल के आ जाएगा। और इसके साथ हम लोग का एक ये मिल रहा है, कुछ यूजर मैनुअल्स और कुछ केबल्स, और ये तो खैर मेरा बिल है और कुछ नहीं है, बॉक्स खाली है। इसको भी करते हैं हम लोग साइड। सबसे पहले हम लोग मेन यूनिट देखते हैं। फोम्स काफ़ी बढ़िया है, कोई डैमेज नहीं होगा सामान आने में ट्रांसपोर्ट में। इसको करते हैं हम लोग अनरैप, प्लास्टिक से पन्नी से बाहर निकालते हैं इसको। ये है हम लोग का मेन यूनिट, थोड़ा क्लोज लुक दिखा, थोड़ा क्लोज लुक आप लोग देख लीजिए। फेडर है, बहुत सॉफ्ट है, हर एक फेडर बहुत सॉफ्ट है। ठीक है, ये हम लोग का 1 से लेकर के 8 तक हम लोग का प्योर माइक है, और 9-10 में ये मोनो आउटपुट, ये मोनो इनपुट है। ठीक है, और हम लोग का एक जो हेडफोन में सुनने के लिए एक फोनो मिल जाता है, एक ऑक्स चैनल मिल जाता है। और सबसे खास बात हमको जो ये मिक्सर का लगा, इसमें एक सब आउटपुट का दिया हुआ है, ये सब आउटपुट दिया हुआ है, और ये दो को मेन है राइट लेफ्ट जो सब है। इसका जो बहुत जल्द पूछेंगे हमसे कि सर इसका तो कंट्रोल कहाँ है, देखिए इसका कंट्रोल यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं सब ऊपर। सबसे पहला इसका गेन है, ये वाला इसका गेन है, और ये वाला इसका फ्रीक्वेंसी है। 50 हर्ट्ज़ से शुरू होता है, 250 हर्ट्ज़ तक ये ख़त्म होता है। तो जितना फ्रीक्वेंसी आप लोग को चाहिए उतना फ्रीक्वेंसी आप लोग इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाला है आपका प्रोग्राम का। ठीक है, प्रोग्राम पुश जो इसमें ब्लूटूथ का भी ऑप्शन है, तो ये प्रोग्राम वाला ऑप्शन, मतलब ये प्रोग्राम वाला ऑप्शन है। और ये वाला जो है आपका जो इफ़ेक्ट्स है इसके लिए ये बटन दिया हुआ है। ठीक है, और ये वाला है आपका इसका पैरामीटर, जो पैरामीटर आता है ये ऑक्स का वॉल्यूम, ऑक्स का मेन वॉल्यूम है, ये फ़ोन का मेन वॉल्यूम है, जो फ़ोन मतलब जो हम लोग हेडफोन में सुनेंगे इसका, इसका ये मेन वॉल्यूम है। और इसको म्यूट अनम्यूट करने के लिए जो ऑक्स का जो फेडर है, एफएक्स वाला जो फेडर है, जो एफएक्स वाला जो फेडर है इसको म्यूट अनम्यूट करने के लिए ये स्विच है। चलिए हम लोग अभी फर्स्ट में आ जाते हैं। फर्स्ट चैनल में हम लोग को क्या क्या मिलता है। सबसे पहले हम लोग को हर एक चैनल में, चैनल 8 तक हम लोग को हर एक चैनल में हम लोग को फैंटम पावर का स्विच मिल जाता है। उसके बाद एक हम लोग को गेन नॉब मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद ये हम लोग का हाई का नॉब है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का ये मिड का नॉब है, देख सकते हैं। फिर एक हम लोग को मिल जाएगा लो वाला नॉब, और फिर आता है हम लोग का एक ऑक्स वाला जो नॉब है, ये एक सिंगल ऑक्स का माइक, सिंगल ऑक्स का मिक्सर है। और फिर हम लोग को एफएक्स मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग का एक पैन मिल जाएगा जो राइट लेफ्ट का काम आता है। और फिर से वही चीज़, एक PFL का जो हम लोग को डायरेक्ट हेडफोन में हम लोग आवाज़ सुन पाएंगे, और एक म्यूट का, और बाकी ये फेडर, ये सारा चीज़ सेम है 8 तक। 9 और 10 में भी ये चीज़ हम लोग का सेम है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा एक स्विच दिया हुआ है स्टूडियो, मतलब स्टूडियो, ये वाला स्टूडियो करने के लिए या फिर मोनो करने के लिए। और एक MP3, मतलब हम लोग जो ब्लूटूथ इसमें कनेक्ट करेंगे वो ब्लूटूथ के लिए एक यहाँ पे स्विच दिया हुआ है। तो जब हम लोग नीचे जब हम लोग ऊपर रखेंगे तब हम लोग का ये चैनल काम करेगा, और जब हम लोग दबा देंगे इसको तो उसमें हम लोग का जो ब्लूटूथ वाला ऑक्स है, मतलब जो ब्लूटूथ वाला सिग्नल है वो हम लोग का ये
फेडर के माध्यम से ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अभी पीछे देखते हैं इसका, इसका बैक लुक कैसा है। इसका बैक लुक कुछ इस तरह का है, हम लोग को यहाँ पे पावर कट्स मिल जाता है, और पावर कट के ऊपर में यहाँ पे एक फ्यूज़ होल्डर मिल जाता है, और यहाँ एक ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है, अच्छा स्विच है। और मेन आउट के लिए दो एक्सेलर आउटपुट जो बैलेंस्ड होता है, और एट से मतलब वन से लेकर के एट तक ये कॉम्बो दिया हुआ है, जिसमें TS भी घुस जाएगा और XLR भी घुस जाएगा, ये कॉम्बो है। ठीक है, इसमें बैलेंस और इनबैलेंस दोनों आउटपुट इसमें मतलब दोनों इनपुट जो सिग्नल्स है इसमें हो जाएगा। और इसमें कुछ कुछ फंक्शंस दिया हुआ है डिले का, ठीक है, 16 बिट जो डिजिटल दिया हुआ था, तो वो यहाँ पे इसका कुछ सेटिंग दिया हुआ है, हॉल वन हॉल टू रूम वन रूम टू, ये हम लोग कुछ कुछ दिखाएंगे टेस्टिंग में। ठीक है, कुछ इस तरह का हम लोग का एक इम्प्रेशन निकल के आता है मिक्सचर का। चलिए इसका हम लोग कुछ साउंड टेस्टिंग भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग आप लोग को बोले थे मिक्सचर का हम लोग साउंड टेस्टिंग लेके आएंगे, तो मिक्सचर का हम लोग साउंड टेस्टिंग अभी कर रहे हैं। हम लोग के पास ये वाला एक मशीन है, जो ये वाला मशीन आप लोग बहुत बार देखे होंगे मेरे चैनल में, अराउंस का मशीन है, बहुत अच्छा मशीन है, बहुत पुराना मशीन भी है लेकिन बहुत अच्छा है। और हम लोग एक इक्वलाइजर यूज़ किए हैं 430 का डॉट का, और सिंपल सेटिंग्स है और कुछ सेटिंग्स है नहीं। और हम लोग आउटपुट्स में ये सब हम लोग यूज़ किए हैं, जो फिटिंग हम किए थे जो टॉप 1000 वाट का जो टॉप था वो वाला हम जो फिटिंग किए थे वो वाला भी है, ये दोनों आज इसका साउंड टेस्ट भी हो जाएगा कुछ हद तक, और ऊपर में ये दोनों भी रेडी कर दिए हैं। इसमें 400 वाट का है और इसमें 1000 का है स्पीकर, जो हम लोग असेंबल किया था, दोनों मेरा असेंबल किया हुआ है। और ये वाला मिक्सर में हम लोग साउंड टेस्ट करेंगे, तो हम पहले सब कुछ डाउन कर देते हैं क्योंकि समझ में आएगा, ये तो खैर पैन है। हम लोग उठाते हैं 0 dB तक, जो 0 dB उठा लिए हैं, फिर हम लोग इसको आउट साउंड देते हैं वॉल्यूम। देखिए अभी जो आपको साउंड मिल रहा है ये टोटली आपको मिक्सर का साउंड मिल रहा है। ठीक है, ये सिंपल पूरा फ्लैट आवाज़ है। अभी इसमें हम लोग एक एक करके सारा नॉब्स खोलेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होगा या फिर किस तरह का फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। पहले हम लोग हाई खोलते हैं, हाई खोलने के बाद देखते हैं, देख सकते हैं मेरा आवाज़ पूरा पतला हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग हाई बंद करते हैं, मिड खोलते हैं, मिड में एक वो बुलंदी सा एक आवाज़ आया है मिड खोलने के बाद, फिर हम लोग मिड को बंद करते हैं। अभी हम लोग लो को खोलते हैं, देखिए लो खोलने के बाद एक आवाज़ में भारी भारी पन आ गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग एक बैलेंस करते हैं, लो को कम रखते हैं, और फिर मिड को इतना सा खोलते हैं आधा से थोड़ा कम, और हाई को खोलते हैं हम लोग आधा से थोड़ा ज़्यादा। तो ये जो हम लोग का सेटिंग है एक प्रॉपर सेटिंग हो जाता है, या फिर मिड को थोड़ा बहुत आधा के पास और हाई को थोड़ा ज़्यादा, ये करने के बाद ये तो हो गया हम लोग का एक सेटिंग। ठीक है, सिंपल सेटिंग है। और इसके बाद हम लोग अभी इफेक्ट्स थोड़ा चेक कर लेते हैं। अभी हम लोग का 5 नंबर इफेक्ट्स में है, तो इसमें जो है हम लोग यूज़र मैनुअल पे देखें या फिर मिक्सर के पीछे में भी जिनके जिनके पास मिक्सर के पीछे भी रहता है लिखा हुआ रहता है 1 से 16 तक जितना उसका जो DSP रहता है वो सब उसमें मेंशन किया हुआ रहता है। तो हम लोग का 5 में हम लोग का डिले प्लस रिवर्ब है, तो इसका हम लोग एक बार खोल के देखते हैं। यहाँ से हम लोग इफेक्ट्स को ऑन किए, ठीक है, यहाँ से इफेक्ट्स ऑन किए, और यहाँ पर हम लोग इफेक्ट्स अभी बढ़ाएंगे तो अभी आप लोग को मिलना शुरू हो जाएगा इफेक्ट्स। ये हॉल प्लस डिले है, ये जो आपको आउटपुट मिल रहा है ये डायरेक्टली आपका जो भी आउटपुट हम लोग का बॉक्स से आ रहा है उसी का आउटपुट आपको मिल रहा है। ठीक है, ये हम लोग का पैरामीटर है, यहाँ से हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, जैसे 16 नंबर आ गया है। ठीक है, एक बार ये भी आप लोग चेक कर लीजिए इसका आउटपुट किस तरह का आता है। देखिए ये अभी थोड़ा अलग आउटपुट आ रहा है, जैसे आप लोग देख सकते हैं ये पूरा आवाज़ एक बार राइट लेफ्ट करके ये हो रहा है। ठीक है, इसी तरह का फिर 1 में हम लोग देखते हैं, 1 नंबर में सिर्फ हम लोग का हॉल आएगा। ठीक है, हॉल वन बोल के आएगा 1 नंबर में। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं 2 नंबर में,
दो नंबर भी हॉल ही है, हॉल टू बोल के रखे हैं, उस तरह का आवाज इसमें आ रहा है टू में। फिर हम लोग थ्री देखते हैं, इसको दबाना पड़ेगा, थ्री में आ जाएगा आपका रूम, ठीक है। रूम का एक फ्रीक्वेंसी आ जाता है, फिर रूम का एक इफेक्ट आ जाता है, ये हम लोग का पैरामीटर है, किस पैरामीटर हम लोग को चाहिए। फिर फोर में देखते हैं, फोर में भी हम लोग का रूम है, ठीक है, ये थोड़ा हल्का है, ये रूम का जो आवाज़ है थोड़ा हल्का हल्का सा आवाज़ आ रहा है। फिर हम लोग देखते हैं फाइव में, जो हम यूज़ करते हैं फिर वो जो हमको बहुत अच्छा लगा, इसमें हॉल प्लस रिवर्ब दोनों है। फिर इसमें इसके बाद जब सिक्स में जाएंगे तो सिक्स में आ जाएगा आपका पूरा डिले, हेलो छः हेलो, थोड़ा बहुत इसमें डिले है, इसका जो पैरामीटर हम जब खोलेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, इसमें थोड़ा थोड़ा डिले है। फिर सेवन में, सेवन में देखते हैं, इससे थोड़ा और ज़्यादा डिले है सेवन में, जैसे देखते हैं हेलो छः माई हेलो हेलो छः। फिर हम लोग एट में देखते हैं, एट में क्या किस तरह का आएगा इफेक्ट, हेलो छः थोड़ा रिपीट हो रहा है, इसका पैरामीटर अगर थोड़ा बहुत कम करते हैं तो समझ में आ रहा होगा, या फिर ज़्यादा अगर करेंगे पैरामीटर तो समझ में आएगा, हेलो छः हे हे छः, ठीक है। तो पैरामीटर भी कम करते हैं। फिर हम लोग नाइन में देखते हैं, सॉरी हाँ नाइन में देखते हैं, तो हम लोग का नाइन में जो है ये डिले ही है, इसके बाद आपका थर्टीन तक, मतलब सिक्स से लेकर के थर्टीन तक थोड़ा डिले है, लेकिन जितना आप ऊपर बढ़िएगा उतना इसका डिले का जो इफेक्ट है वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। थोड़ा इस तरह का इसका डिले जा रहा है लंबा लंबा करके। फिर हम लोग टेन में जाते हैं, हेलो हेलो जे जे जे, ये पूरा सेंटेंस लगभग लगभग दो तीन वर्ड का पूरा ये कंटिन्यू कर रहा है, जैसे कह सकते हैं हेलो जे हेलो छे हेलो छे हेलो छे हेलो छे हेलो छे हे वन टू थ्री, कुछ इस तरह का इफेक्ट है हम लोग का टेन में। और इलेवन में देखते हैं, इलेवन में ये पूरा एक सेंटेंस को लेके जा रहा है पीछे पीछे, ठीक है। फिर हम लोग ट्वेल्व में देखते हैं, हेलो छे हेलो छे हेलो छे हेलो छे, ये बहुत लॉन्ग डिले है, ठीक है। ये 12 का है, 13 का भी देख, 13 का और थोड़ा ज़्यादा होगा उससे, हेलो छी छी, 14 में देखते हैं, 14 में किस तरह का आ रहा है, इस तरह इसका भी है, इसका थोड़ा राइट इस तरह का थोड़ा इफेक्ट है, ठीक है। और इसके बाद जो हम लोग का इफेक्ट आएगा वो हम लोग आएगा, एक बार राइट होगा एक बार लेफ्ट होगा, ये भी आपका डिले टाइप में ही है, लेकिन थोड़ा राइट में आएगा थोड़ा लेफ्ट में आएगा, इस तरह का डिले आ रहा है, हेलो छे हेलो छे हेलो छे हेलो छे, सिग्नल देख सकते हैं यहाँ पे, हेलो छे 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 छे, ठीक है। और 16 में अब बहुत ज़्यादा समझ में आएगा आपको, हेलो छे 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 छे, हेलो छे माइक दिस माइक दिस माइक दिस माइक दिस माइक दिस माइक, चल इसको बंद कर रहे हैं इफेक्ट्स को भी। तो हम लोग को ये समझ में आया कि जो हम लोग 16 में 14 15 16 में जो है, जबकि 16 में ज़्यादातर राइट लेफ्ट करके जो डिले है, मीन्स पूरा सराउंडिंग वाला साउंड आपको मिलेगा इसमें 16 नंबर में इफेक्ट में। तो वही चीज़ है जो हम स्टार्टिंग में दिखाएं, ये हम लोग का गेन है, गेन जैसे जैसे बढ़ेंगे हम लोग का मास्टर का जो गेन है वो गेन बढ़ते रहेगा। और ये फैंटम का स्विच है, 48 वोल्ट फैंटम पावर का स्विच है, हर एक चैनल मिल जाएगा आपको, वो हम पहले में भी आपको बताए हैं। और ये सर ये एफएक्स है, ये पैन है, ये आपका ऑक्स है, सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। तो एक तक तो सेम है, 9 10 कॉमन किया हुआ है स्टूडियो के लिए, स्टूडियो इनपुट के लिए, और इसमें जो ब्लूटूथ है, अगर इसमें हम लोग शिफ्ट कर देंगे तो MP3 में आया, जैसे कि ब्लूटूथ आपको BT लिख के आ रहा है। और ये जो आपका पेयरिंग वाला डिवाइस आ रहा है, इससे आप पेयर भी हो जाएगा, पेयर होने के बाद इसको दबाने, इसको जब हम लोग दबा देंगे तो फिर हम लोग इसमें जब उठाएंगे तो वो आपका आ जाएगा। ये है कुछ कुछ इसका सेटिंग्स, या फिर बोल सकते हैं कुछ कुछ इसका रिव्यू, ठीक है। बाद में कैसा लगा आप लोग का वीडियो, कैसा लगा साउंड टेस्टिंग, ज़रूर कमेंट बताइएगा।
और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हम लोग के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।